नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विदेशी बाजारों में दाम चढ़ने से बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहन के भाव सुधार दर्शाते हुए बंद हुए। ये पहला मौका है जब पामोलिन तेल के भी मुकाबले सरसों तेल और सरसों रिफाइन का भाव सस्ता हो गया है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि बीते सप्ताह रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्य तेल आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से लगभग सभी खाद्य तेलों के भाव मजबूत हुए। विदेश बाजार में मजबूती के बीच सरसों मूंगफली जैसे देसी तेल तिलहनों के भाव आयातित तेलों से भी सस्ते हैं। थोक बाजार में पामोलिन तेल 162 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि सरसों तेल 150 रुपए किलो और सरसों रिफाइंड 154 रुपए किलो बिक रहा है। सरसों तेल की बाजार में अधिकतम कीमत लगभग 160 से 162 रुपए लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं सूत्रों ने कहा कि सरकार के अधिकारी तेल आपूर्ति की स्थिति में सुधार के मकसद से जमाखोरी रोकने के जांच और छापेमारी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी उन्हें ध्यान देना होगा कि जो कोई भी चाहे मनचाही मात्रा में सोयाबीन सीपीओ जैसे खाद्य आयात कर सकता है और इस पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। दूसरी ओर देसी खाद्य तेलों के दाम आयातित तेलों से भी सस्ते हैं, तो ऐसे में कौन जमाखोरी की जहमत उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बजाय अगर सरकार सभी तेल कंपनियों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी पर निगरानी रखे तो आधी से अधिक समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। एमआरपी का लाभ उठाकर खुदरा दुकानदार व मॉल के दुकानदारों द्वारा इसे महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है। इसकी जांच के लिए सरकार की ओर से कोई दल बने तो इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। साथ ही सूत्रों ने कहा कि बड़े तेल व्यापारी खाद्य तेलों का आयात किलो के भाव से करते हैं, लेकिन देश के बाजारों में इसे लीटर के भाव बेचते हैं। इस बात की भी निगरानी होनी चाहिए कि क्या इतने ही अनुपात में ये कंपनियां दाम कम करती हैं या नहीं। प्रति किलो खाद्य तेल 1000 ग्राम से लीटर में खरीदने पर उपभोक्ताओं को मात्र लगभग 912 ग्राम तेल ही मिलता है। वहीं पिछले साल किसानों को अपनी तिलहन फसलों के अच्छे दाम मिलने से उन्होंने इस बार सरसों का उत्पादन भी बढ़ाया है। इस बार सही कीमत के इंतजार में वे मंडियों में माल कम ला रहे हैं। पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में मंडियों में सरसों की आवक 10 से 12 लाख बोरी की थी, जो इस बार घटकर लगभग 5 लाख बोरी रह गई है। तेजी के आम रुख और युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से सरसों मूंगफली सोयाबीन तेल तिलहन सीपीओ पामोलिन बिनौला तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहन में सुधार आया है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा, तभी इस मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बच जाएगी, साथ ही सकल घरेलू यानी कि जीडीपी और रोजगार भी बढ़ेगा। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।